हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेन फिंगर्स। मैं आज बनाने वाली हूँ क्राफ्ट वर्क, जिसमें बनाऊंगी मैं एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए, कुछ घर में भी होते हैं हम लोग के, उसका यूज़ करेंगे, और कुछ हम लोग बाहर से परचेज भी कर लेंगे। टोटली घर के वेस्ट मटेरियल से जो क्राफ्ट बनते हैं उसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, उसका केयर नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग जब भी क्राफ्ट करें, मेरा मानना है जब भी क्राफ्ट करें तो अच्छे मटेरियल का यूज़ करें तो अच्छा क्राफ्ट बनेगा। जिसके लिए हमें चाहिए थर्माकोल बॉक्स बनाने के लिए, फेविकोल, सेलो टेप, स्टोन्स। अगर स्टोन्स नहीं है आपके पास तो मार्केट में क्ले आते हैं, आप उसका स्टोन बना सकते हैं। स्क्रैपर चाहिए थर्माकोल को कट करने के लिए। छोटे बच्चे बिल्कुल ना यूज़ करें स्क्रैपर का, मम्मा पापा का हेल्प ले लें। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज़ करूँगी मैं, जैसा कि एक्वेरियम में ग्लासेस लगे रहते हैं तो मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज़ करूँगी। और कुछ वेस्ट फ्लावर्स के लीव होते हैं वो ले लेते हैं, घर में भी होते हैं, नहीं होंगे तो हम लोग कागज़ के बना लेंगे। ये हम लोग कलर्ड पेपर लेंगे फिश बनाने के लिए। मैं कुछ रियलिस्टिक फिश भी बनाऊँगी और कुछ पेपर के बनाऊंगी, कलर्ड पेपर के। रियलिस्टिक फिश के लिए हमें वाइट पेपर चाहिए और कलर चाहिए, ब्रश चाहिए। कितने टाइप्स के फिश होते हैं वो हम लोग के छोटे बुक में भी मिलते हैं, हम लोग उससे वहाँ से डिज़ाइन ले लेंगे, फिश को देख लेंगे और कलर्ड पेपर पे ड्रॉ करके उसको कट कर लेंगे। कुछ कलर्ड बबल भी आते हैं, थर्माकोल जिसे कहते हैं, उसका हम लोग यूज़ करेंगे बॉक्स में डालने के लिए, जो बबल्स का काम करेंगे। कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ स्टार्ट। दिस इज माय सेकंड क्राफ्ट वर्क, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।